अरे बीजेपी के नेता जी, विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी, सबको देख लो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पुलिया। अब बताओ करेजा पीटे या इतने सारे लोग छाती पीट ले। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के रामनगर क्षेत्र का क्या हाल है, जहाँ पर रजबाह वाला बस माइनर जाता नहीं है। देख लो मतलब, जैसे नहर गई बाप कसम की पुलिया तो खंड हो गए, तीन खंड हो गए, पुलिया फट गए, बैठ गई। यह बकायदा बाराबंकी जनपद के रामनगर क्षेत्र का हाल। अशोकपुर बकायदा चाचू सरैया के निकट का हाल है। वही पुलिया भैया देख लो, इको बोलते माइनर के पास का हाल बस। अब ना तो ढंग से सफाई हुई माइनर में, ऊपर से पुलिया के नखड़े देख लो बस, सब तो बड़े रुके हो गई। अभी मां को पैसा खाई से का भ्रष्टाचार हुआ, अब बकायदे तो जांच का विषय। लेकिन स्थानीय लोग का बोले खुदा सुन लीजिए। पुलिया जनी थी, अभी जल्दी ही बनी जो है, उसको से चार पांच दिन हुआ है बने इसको, और जो कल रात में पानी जो है इसका छोड़ा गया है तो रात में ही बैठ गई है पुलिया। ये हम लोग यहाँ डी वर्ग के निवासी हैं, कहना चाह रहे हैं मतलब कि जो ये पुलिया जो बनी है, जो इसमें जो भी इसमें धांधली सांधली हुई है, तो उसका सही निर्माण दोबारा हो, जो आदमी जो यहाँ तीनों गांवों का आना जाना जो है सुचारू रूप से चालू हो। अच्छा, नहर विभाग में जानते हैं जेई या कोई किसने बनवाई इसके बारे में? नहीं पता, ये किसी को मालूम ही नहीं यहाँ पर। अब स्थानीय ग्रामीणों की बात आपने सुने, बस अब भ्रष्टाचार देखो इस पुलिया में हो गया। अब हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, कौन दिखाएगा? जनता कैसे जानेगी कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, और सरकार कैसे कार्रवाई करेगी, प्रशासन कैसे देखेगा? गांव गांव थोड़ी ना आएगा, अब हमने दिखा तो कैसे काम चले। पर बाराबंकी जब रामनगर छत वीडियो जैसी मिलेगी शेयर कर डालो, इतना शेयर करो कि सूबे के मुख्यमंत्री देखे और कम से कम पुलिया का दोबारा निर्माण हो सके। रामनगर के विधायक जी देख लीजिए, आप विधानसभा पड़ती है, इससे कैसे निर्माण हो गया बताइए। अब दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज से आ रही खबर था। सनी गोस्वामी ने विजय कहा, देखो भैया देखो, यहाँ तो चमत्कार हो गया, सारी बच्चे आए थे, बकायदा छात्राएं आए थे, स्कूल के बाद सब सारे बच्चे आए थे, बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। कहीं कोरोना टीका सबसे पहले आपको लगाना, 15 से 18 साल के बच्चे थे। सुनिए जरा डॉक्टर साहब से बातचीत की सनी गोस्वामी, तो का उत्तर मिला? अमित जी थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, अधीक्षक समुदाय स्वास्थ्य मीरगंज से बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है कि 15 से 18 साल वाला जो है वैक्सीनेशन आज से हमने शुरू कर दिया है, और हमारे यहाँ अभी CSC मीरगंज पे इसको लगाया जा रहा है। तो कितने साल के बच्चे लगाए जा रहे हैं इसमें? इसमें हम जो है 15 से 18 साल वाले बच्चे कवर कर रहे हैं, जिनका जो बर्थ है 2007 से पहले हुआ है। सर कितने सेंटर बनाए गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? अभी केवल एक ही CBC को डेवलप किया गया है, अगर एक CBC हमारी सक्सेस होती है उसी हिसाब से फिर हम रीच टू होम करना शुरू करते हैं। सर क्या मानते हैं आप, जो वैक्सीनेशन आई है ये, तो इससे बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा कोरोना वैक्सीनेशन? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी आप देखिएगा जो आपको इन्फेक्शन मिल रहा है, जहाँ पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, उनमें जो है जो उसकी जो वायरस की जो क्षमता है वो काफ़ी कम मिल रही है, तो उसमें जो है शरीर को हमारे कम नुकसान कर रहे हैं, फेफड़ों को हमारे कम नुकसान हो रहा है, तो वैक्सीन बहुत जरूरी है लगवाना सर। अब मीरगंज के वास्तव डॉक्टर साहब की बात हमने सुनी, अमित जी की बात सुनी, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, इससे बकायदा भैया कोरोना बीमारी नहीं पकड़ेगी। पर फिलहाल वैसा बरेली के लिए सनी गोस्वामी की रिपोर्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, वीडियो को शेयर कर डालो, और सनी भैया कम से कम शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। अब देखो खबर चार जैसी लगी, मुस्कुराहट तो बहुत ज्यादा, कलेजा फूट फूट कर हंस रहा होगा, लेकिन कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।